राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो बजैया। श्रद्धा का फुलेल लेकर के नित्य कृष्ण कथा श्रवण करी जाए से जन्म जन्मांतर के मैल निश्चित कट जाते हैं। मनन रूपी जल से स्नान किया जाए, करुणा दया के तौलिए से पूछा जाए, दैन्य का वस्त्र पहना जाए, समर्पण की दृढ़ता की सुगंध लगाई जाए, भगवान नाम के आभूषण पहने जाएं, भक्त भगवान की सेवा कर्ण फूल है, मानसी सेवा नत है, भक्त संग अंजन है। उत्कंठा जब उत्पन्न होगी उसी समय राधा माधव के दर्शन हो जाएंगे। देखो, अभी एक रास्ते में प्रश्न किया जादव जी ने, हमने कहा अभी कथा में उत्तर दे देंगे, हम उत्तर पहले दे रहे हैं, प्रश्न पीछे बताएंगे। उत्तर यह है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने सभी धर्मों को छोड़ने की बात कही। ये बात समझ में लोगों के कम आती है, अधर्म छोड़ना तो सब समझ जाते हैं, धर्म छोड़ना नहीं समझ पाते। इसको समझना है। देखो, एक उदाहरण दे रहे हैं, भारतवर्ष का नाश धर्म के कारण हुआ। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के पहले भारतवर्ष संसार का गुरु था। महाभारत में भगदत्त आदि ये सब भारतीय झंडे के नीचे थे, चीन हूं शक सब यवन, ये सब भारत के नीचे थे। उसके बाद भारत का नाश हुआ। वो नाश हुआ धर्म के कारण से। जैसे महाभारत के जितने पात्र थे अलग अलग धर्मों में बंधे हुए थे। यही उनकी भूल थी। सबसे पहले भीष्म को लिया जाता है, जो भक्ति के 12 आचार्यों में है। वो एक अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे कि मैं अपने पिता और माता को वचन दिया था मैं जो भी व्यक्ति राजा बनेगा इस सिंहासन पर हस्तिनापुर के, मैं उसका सेवक बन के रहूंगा। अब धर्म से नाश हुआ भारत का, ये बात समझिए। भीष्म ने पिता शांतनु को
माता सत्यवती को वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसका दास बन के रहूंगा, सेवक बनूंगा। इस शर्त पर ब्याह हुआ था। शांतनु का सत्यवती से पिता के सुख के लिए भीष्म ने अपने समस्त सांसारिक सुखों का बलिदान किया। आजन अविवाहित ब्रह्मचर्य रख करके जीवन बिताने की प्रतिज्ञा किया और समस्त राज्य ही नहीं शारीरिक इंद्रिय सुखों को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया पिता के लिए। और उस धर्म में बंध गए। उस धर्म में बंधने के कारण उन्होंने हस्तिनापुर के ओर से युद्ध किया। जो अधर्म था, अधर्म का पक्ष था, वो जानते थे पांडव भक्त हैं, किंतु वे अपने इस प्रतिज्ञा रूपी धर्म को और पिता की आज्ञा रूपी धर्म को छोड़ नहीं पाए। स्वयं वो रोए हैं, शरशैया पर पड़े भय। जब युधिष्ठिर प्रणाम करने गए हैं, अरे पुत्रो तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हुआ अन्याय, ये मैंने देखा, किंतु मैं एक धर्म के बंधन में बंधा रहा। माता पिता को मैंने वचन दिया था कि मैं इस राजगद्दी का सेवक बना रहूंगा। मुझे वो भी याद है कि मेरे सामने एक सम्राट की साम्राज्ञी अनिंद्य सुंदरी द्रौपदी को नंगा किया गया। वो अत्याचार में भी देखता रहा, क्या क्या मैंने नहीं देखा। तुम्हें जलाया गया लाक्षाग्रह में, भीम को विष दिया गया, ये सब मैं देखता रहा क्योंकि मैं एक धर्म में बंधा हुआ था। इसी धर्म में द्रोणाचार्य बंधे थे, राज का अन्न खाया है, राज्यान्न। बड़े बड़े महापुरुष भी इसी धर्म में बंधे रहे। ये धर्म जो था अनर्थ की जड़ बन गया। पांडवों का भी जो एक तरह से विनाश हुआ धर्म के कारण हुआ। युधिष्ठिर जुआ खेले क्यों, पिता की आज्ञा, धृतराष्ट्र की आज्ञा। पिता की आज्ञा कैसे टाली जाए। इस धर्म में बंधे थे और एक बार नहीं दो बार जुआ खेलना पड़ा। ये धर्म उनको विष की तरह हो गया। धर्मराज इस धर्म में बंधे हुए थे।
जिसके पीछे अधर्म छिपा हुआ था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी धर्म के बंधन में बंधे रहे। युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं, रोक नहीं पाए, बड़े भाई हैं। दांव पर लगाते रहे, सब कुछ चुप बैठे रहे। बड़े भाई की आज्ञा है, इस धर्म में बंधे रहे। ये सारा विनाश धर्म से हुआ। द्रौपदी जब नंगी की जा रही थी, तब भीम को गुस्सा आया, लाओ आग लाओ, मैं युधिष्ठिर बड़े भाई की दोनों भुजाओं को जला दूं जिन हाथों से इन्होंने जुआ खेला है। धर्म के प्रति विरोध जगा भीम के मन में, अर्जुन ने रोक दिया। भीम ने देखा कि हमारे में अर्जुन में लड़ाई हो जाएगी। अर्जुन ने दोनों भुजाएं पकड़ लिया भीम को, भैया नहीं, बड़े भैया जो कुछ करें ठीक है, ये बंधन क्या था, धर्म का था। इस तरह से जितना भी बड़ा युद्ध हुआ, इसके पीछे एक एक अलग अलग धर्म थे। और उन धर्मों में हर पात्र जकड़ा हुआ था। आए श्री कृष्ण, इन्होंने घोषणा कर दिया कि सब धर्मों को छोड़ दो, ये सब शरणागति के विरुद्ध विनाशक हैं। और धर्मों को छोड़ने से अधर्म जो लगेगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने बताया कि शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म है, न पितृधर्म, न मातृधर्म, न भ्रातृधर्म, न राजधर्म, एकमात्र मेरी शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म है। उसका जो पाप लगेगा मैं जिम्मा लेता हूं, मैं उन पापों से छुड़ाऊंगा। इस धर्म का आचरण विदुर ने किया। इसीलिए विदुर एकमात्र पात्र हैं जो बचे रहे युद्ध से, और युद्ध में होती भाई मृत्युओं से। इसी बात की प्रशंसा पुस्तक निकालना, महात्माओं ने कहा कि विदुर की प्रशंसा इसीलिए महात्माओं ने किया कि उन्होंने एकमात्र भगवत शरणागति धर्म अपनाया। और
कहा विदुर की जाति पाति कुल, न उनकी जाति अच्छी न पाति अच्छी, किंतु भगवान ने भीष्म द्रोण दुर्योधन आदि के सब निमंत्रणों को ठुकरा दिया और ये दिखा दिया कि जो मेरा शरणागत है मैं उसका हूं, वो मेरा है। दुर्योधन ने जो निमंत्रण दिया था उसमें भीष्म द्रोण आदि सभी थे, राज निमंत्रण था। श्री कृष्ण ने छोड़ दिया और इस तरह से कठोर शब्दों के साथ छोड़ा। जिसने महाभारत पढ़ा है उन्होंने कहा कि एक तो भूखा व्यक्ति होता है वो भोजन करता है, जहां प्रेम होता है वहां भोजन होता है। तुम्हारे पास न प्रेम है न मुझे भूख है, इसलिए मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। न भीष्म का सम्मान किया न द्रोण का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुत से उदाहरण दिए इस पद में, हम पूरा नहीं सुना रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म शरणागति धर्म होता है। शरणागति धर्म के अधीन भगवान हो जाते हैं। शरणागति धर्म में सभी धर्म छोड़ दिए जाते हैं, शुभ और अशुभ सब छोड़ दिए जाते हैं। अशुभ नहीं शुभ भी छोड़ा जाता है। यो नरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नर। भगवान ने कहा शुभ भी छोड़ देता है हमारा भक्त, अशुभ भी छोड़ देता है। केवल भक्ति का लक्ष्य रखता है। बोले शुभ क्यों छोड़ा जाता है? शुभ से तो समाज का कल्याण होता है, शुभ से सदगति होती है। अशुभ को छोड़ना तो ठीक है, लेकिन शुभ को क्यों छोड़ा गया? इसका कारण है कि शुभ कर्म भी भक्ति में बाधक हो जाते हैं। ये जितने धर्म हैं सब शुभ ही तो हैं, इन सब को छोड़ देता है। शुभ को नहीं छोड़ोगे तो शुभ कर्मों में जो सात्विक कर्तापन है वो तुम्हारे भीतर चिपटा रहेगा और तुम
भगवान के शरणागत नहीं हो पाओगे। हर कर्म जो हम करते हैं उसका कर्तृत्व हमारे भीतर आ जाता है, मैं कर रहा हूं। अशुभ करते हो तो अशुभ कर्मों का कर्तृत्व तुम्हारे भीतर आ जाता है, शुभ करते हो तो शुभ कर्मों का कर्तृत्व मैं कर रहा हूं ये तुम्हारे भीतर आ जाता है। दोनों ही बंधन है, पुण्य भी बंधन है, पाप भी बंधन है। पुण्य और पाप शुभ और अशुभ से आगे है भगवत सेवा। जो इन सब बंधनों को छोड़ के चलती है, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, मैं देने वाला हूं, ये भाव उसके अंदर छिपा रहता है, वो बंधन है, भगवान से दूर करने वाला है। मैं जैसे नरसिंह भगत ने कहा है, बड़ा सुंदर लिखा है, पर दुखे उपकार करे जे, पर दुखे उपकार करे जे, मन अभिमान न आने रे, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे। मन अभी मैं शुभ कर्म कर रहा हूं ये अगर तुम्हारे भीतर है कर्तृत्व का अभिमान, तो तुम भगवान से दूर चले जाओगे। इसलिए शुभ कर्म भी बाधक है, अशुभ की तरह शुभ कर्म भी उसको बांध देते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिया। जितने भी धर्म हैं ये सब शुभ के भीतर आते हैं। कर्म, हर कर्म हमारी स्मृति में आ जाते हैं संस्कार बन करके, उनकी स्मृतियां नहीं मिट पाती हैं। जब तक उनकी स्मृति नहीं मिटेगी तब तक भगवान से हम दूर रहेंगे। इसको स्मृति भ्रंश कहा गया भगवान ने गीता में, स्मृति भ्रंश। हम शुभ कर्म कर रहे हैं यह स्मृति भगवत स्मृति में बाधक है, हम पाप कर रहे हैं यह भी भगवत कर्म में बाधक है। भगवान ने इसीलिए कहा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति भ्रंश शुभ से भी होता है, अशुभ से भी होता है। तो स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से जीव का नाश हो जाता है। ये स्मृति भ्रंश क्या है?
बहुत बड़ा मल हमारे सबके यहाँ जमा हो जाता है। हर कर्म, जैसे तुम भोजन करते हो, भोजन करने के बाद सार ग्रहण करके बाकी मल शरीर छोड़ देता है, बोले मल त्याग हो गया। तो जितने कर्म हैं हम करते हैं, इनका मल क्या है? जैसे तुमने रोटी दाल खीर पुआ पूड़ी खाए, उसके बाद मल त्याग करने के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वो मल था। मल को नहीं त्याग करोगे तो न तो शरीर स्वस्थ रहेगा न चलेगा। वैसे हर कर्म जो हम करते हैं वो मल छोड़ता है। वो मल क्या है? पृथ्वी भगवान ने कहा है, कर्मों का मल है अहम, मैं कर रहा हूं। चाहे तुम अच्छा से अच्छा तप कर रहे हो, अच्छा से अच्छा शुभ कर्म कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, यहां तक कि साधन भी कर रहे हो, यहां तक कि भक्ति के भी साधन कर रहे हो, लेकिन उसके भीतर जो मैं पना है वो जब तक है न तो तुम्हारे में दैन्य आएगा सच्चा। जीव गोस्वामी जी ने तो अहंता को भी नामापराध माना है। ये सब मल है जिसको हम समझ नहीं पाते। पृथु जी ने कहा है, यत्पाद सेवा भी रिचुस तपस्विनाम, अपनी प्रजा को उपदेश दिया भगवान थे, यत्पाद सेवा भी रुचिस तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धिया। सद्य क्षिणोत्वन अन्वहमेधती सती यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित। हमने 10 लाख रुपए दान किया और उसके बाद ये विचार है हमने किया, बोले मल है, मल है तुम्हारी बुद्धि में, वो दान मल बन करके तुम्हारी बुद्धि में जमा हो गया। कोई भी शुभ कर्म किया उस मल को चतुराई से छोड़ना चाहिए, तभी वास्तविक दैन्य आता है। पृथु जी बोले वो जो मल है उस मल को दूर करने का एक ही उपाय है, सेवा, सेवक भाव। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरिय उरगार का घुसुंडी कह रहे गरुड़ से। अरे तुम कितना भी साधन कर लो, कितना भी तप कर लो, तुम्हारे में सेवक भाव नहीं आया तो अटके रहोगे, डूबते रहोगे। बाहरी साधनों से कुछ नहीं होगा। कविराज कृष्णदास जी ने चैतन्य चरितामृत में कहा, कोटि जन्म करे कोई कृष्ण कीर्तन तऊ नहीं पाए वह कृष्ण प्रेम धन। सेवक सेव्य भाव बिन
महात्मा ने कहा करोड़ों जन्म तक तुम कृष्ण कीर्तन करो, जप करो, तभी तुमको बिना वो सेवक भाव के तुम्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। वही बात रामायण में काक भुशुंडी जी ने कहा, सेवक सेव भाव्य बिन भव न तरिय उरगार, भजिय राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। सेवक बनने के लिए भजन करो, सेवक भाव लाओ अपने अंदर भीतर, तब तुम्हारा भजन सफल होगा। स्वामी बनने के लिए भजन मत करना, इसके लिए महापुरुषों ने मना किया है। तिलक लगाए चले स्वामी बन, तिलक लगाए चले स्वामी बन, विषयन के मुख जोए, विषयन के मुख जोए, कितए दिन हरि सुमिरन बिन खोए, दिन हरि सुमिरन बिन खोए। सूरदास जी के पद है, सेवक बनने के लिए साधन करो, सेवक बनने के लिए साधु बनो, सेवक भाव लाने के लिए वैष्णव बनो, सेवक भाव हृदय जान करने के लिए भक्ति मार्ग पर चलो, कहीं तुम स्वामी जी बनने के लिए मत चल देना, भटक जाओगे, कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। यही बात पृथु जी कह रहे हैं, यत पाद सेवा रुचि, तुम्हारे हृदय में अगर सेवा की रुचि जाग गई तो जो अनादिकाल का मल है हमारे भीतर जमा, अंतःकरण में, सिर में, मूड में, हृदय में, रोम रोम में मल जमा है, अशेष जन्मों पचितम, एक जन्म नहीं लाखों करोड़ों अरबों अनगिनित जन्मों का मल जमा है हमारे यहां पर। मैं ये कैसे जाएगा? एकमात्र सेवा से जाएगा। ये पृथु भगवान कह रहे हैं, यत पाद सेवा अभिरुचिस तपस्वी नाम अशेष जन्मों पचितम मलम धिया। बोले यदि तुम्हारे अंदर सेवा भाव आ गया तो जैसे गंगा पापा को जलाती है, इस सूक्ष्म पाप को सेवा रूपी गंगा जला देगी जो आज तक नहीं जल पाया। सत्य क्षणोति अनुवहमेधती सती, शर्त लगा दिया, ऐसा नहीं कि चार दिन सेवा करके और फिर बन गए सिद्ध स्वामी। अनुअहम एधती, जो हर समय सेवा की भावना बढ़ती जाए, यथा पदांगुष्ठ विनिश्रता सर्त, जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली है। बोले सेवा का भाव बढ़ता क्यों नहीं है? बोले उसका कारण है, कपिल भगवान ने बताया, देखो सर्प के शरीर में जहर बनाने की शक्ति होती है, पॉइजन की फैक्ट्री है सर्प। मदारी हर 3 महीने में विष की गांठ तोड़ देता है, लेकिन फिर गांठ पैदा हो जाती है। ऐसे जैसे सर्प के शरीर में जहर बनाने की एक शक्ति है तामस शरीर होने के कारण से, वैसे हमारे तुम्हारे शरीर में एक तामस शक्ति है त्रिगुणमयी, जो अहम रूपी विष को हर समय बनाती रहती है। ये कपिल भगवान ने कहा, सह देहे न माने न मन्य माने न मन्यता करोति विग्रहम कामी कामिश्वंताय आत्मना।
भगवान कपिल देव जी बोले, जैसे जैसे शरीर बढ़ता है हर समय, वैसे वैसे अहम बढ़ता रहता है। ये शरीर की गति है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम साधु भी बन गए हैं तो शरीर तो वही है, वहां भी ये मैं अहम रूपी पॉइजन पैदा होता रहता है। हम विरक्त, हम साधु, हम सन्यासी, हम पूज्य, हम स्वामी जी, ये सब विष पैदा होता रहता है हर समय शरीर में पैदा होता है। सह देह न माने न मन्य माने न मन्य न, इसीलिए हर समय सेवा भाव कभी भी नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो अहम भाव ही बढ़ा करता है। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक दुख है जो हम लोगों के साथ मायाकृत दोष बढ़ रहा है। विलज्यमाने आयस्य, ब्रह्मा जी ने कहा दूसरे स्कंद में, स्थातुम इच्छा पथे मुआ विमोहिता विकथन्ते ममाहम इति दुर्धियः। हे बेटा नारद, ये माया भगवान के दृष्टि के सामने खड़ी नहीं हो सकती, भाग जाती है। विलज्यमाने आयस्य स्थातुम इच्छा पथे मुआ, इस माया से मोहित होने वाले ही ममा हम, मैं मेरा और मैं में फंसे रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी फंसे रहते हैं, ये पहचान है। इन सब के लिए शरणागति धर्म यानी सेवा धर्म सर्वोच्च है। इसी का प्रतिपादन भगवान ने किया कि ये तू जितने भी भीष्म द्रोण आदि हैं, ये सब जिन धर्मों में बंधे हुए उन धर्मों को तू छोड़ दे, फिर मेरी शरण में आ। इन लौकिक धर्मों के बंधन के कारण भारत का नाश हुआ। उतना बड़ा युद्ध न हुआ, न है, न होगा, उसके बाद भारत इतना दुर्बल हो गया, आत्यंतिक विनाश हो गया, सभ्यता का ही नाश हो गया। क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद बजनाभ को यह पता नहीं था कि ब्रज कहां है, इतना बड़ा नाश हुआ। थोड़े दिन में सब मिट गया। शांडिल्य ने आकर के बताया कि बेटा ये ब्रज भूमि है, यहां ब्रज था, यहां कृष्ण लीला हुई थी, इतना बड़ा विनाश हुआ। शांडिल्य ने बताया कि बेटा देखो यहां बरसाने था, यहां नंदगांव था, वहां पर आता है शांडिल्य जी का गोवर्धने दीर्घ पहने बृहस्सानौ श्लोक आता है। उसके बाद जाने कितनी बार ब्रज लुप्त हुआ। तो ऐसा जो विनाश का कारण क्या था, महाभारत। और महाभारत इतना बड़ा हुआ क्यों, हर व्यक्ति अपने अपने अलग अलग धर्मों में बंधा हुआ था, उन सब को काट करके भगवान ने कहा एकमात्र तू मेरी शरण में आ। शरणागति धर्म। बोले फिर युद्ध हुआ क्यों, भगवान ने कराया क्यों, अगर युद्ध नहीं कराते तो दुर्योधन के पक्ष में जितने असुर लोग थे वो राजा बन करके आए थे। भागवत में लिखा है असुर ब्याज, ये सब आसुरी संसार हो जाता,
सारा संसार आसुरी हो जाता। इसलिए उसकी रक्षा के लिए तुझको बचाना है, इनका विनाश करना है। ये मत देख कि हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, ये गुरु हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये सब लौकिक धर्म हैं। मेरी प्रीति के लिए तू ये सब काम कर। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हमको स्मृति आ गई। अब तक स्मृति भ्रंशता थी, अब तक मेरी स्मृति नष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं इन धर्मों के चक्कर में पड़ा था। स्वयं अर्जुन ने कहा है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता, इन धर्मों ने हमारे बुद्धि को नष्ट कर दिया। धर्मों से हमारा चित्त सम्मूढ हो चुका है, स्पष्ट कहा है। अनेक धर्म टकरा रहे हैं गोविंद। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ चेता यश्रेय श्यान निश्चितम ब्रूही तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वा प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शासन करो। जो शासन मानता है, शासन करता है, वो शिष्य होता है। बाकी चेला तो बहु से बन जाते हैं। शासितुम योग्य स शिष्य, उसको शिष्य कहा गया है। पहले तो अर्जुन ने कहा था श्रद्धा के कारण शिष्यस्ते हम शाधी मां त्वा प्रपन्नम, हे गुरुदेव हे कृष्ण आप मेरे ऊपर शासन करो। उसके बाद गीता सुनने के बाद बोले अब मैं सच्चा शिष्य बन गया, आपकी आज्ञा मानूंगा। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जो स्मृति मेरी धर्मों के कारण सम्मूढ चित्त हो गया था, अब वो धर्मों अन्य धर्मों का आश्रय खत्म हुआ, अब मेरे अंदर स्मृति आ गई। तो स्मृति भ्रंशता होती है धर्म से। देखो स्मृति भ्रंश क्या है, हमने देखा बढ़िया पंगत है, लड्डू है, पेड़ा है, टूट पड़े खाने, अशुद्ध अन्न था, उसके खाने से स्मृति नष्ट हो जाती और उसको हम समझ नहीं पाते। भीष्म ने जब भीष्म उपदेश दे रहे थे, पांडव बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब आए थे, भगवान भी उपदेश सुन रहे थे, ऐसा बड़ा उपदेश बड़े बड़े ऋषि देवगण भगवान तक सुन रहे हैं और भीष्म उपदेश कर रहे हैं। द्रौपदी हंसी, दूर खड़ी थी, तो एक बड़ा बड़ी असभ्यता है, एक स्त्री हंस गई इतने बड़े ऋषियों के बीच में, पांडवों के बीच में, बड़े बड़े देवों के बीच में, तो सबने द्रौपदी की ओर दृष्टि टेढ़ी करके देखा। भीष्म ने कहा नहीं, पांचाली ठीक हंस रही है, इसका रहस्य है, तुम नहीं समझते हो। बोले बेटी तू जो हंस रही है वो एक बड़ी गंभीर बात है और मैं तुझे उत्तर दे रहा हूं। तू हंस इसलिए रही है कि जब मुझे सभा में
नग्न किया जा रहा था, उस समय ये मेरा ज्ञान कहां चला गया था, इसलिए हंस रही है। इसका उत्तर यह है बेटी, हमने अशुद्ध अन्न खाया था, और वो अशुद्ध अन्न खाने से वो जो उसका खून मांस जो भोजन करते हो रस बनता है, रस बन के रक्त बनता है, रक्त पक कर के मांस बनता है, मांस पक के मेद बनता है, मेद बन कर के अस्थि बनती है, अस्थि बन कर के मज्जा, मज्जा बन पक कर के शुक्र, और शुक्र भी पक कर के ओज बनता है तेज। तो वो जो सातों धातुएं थी राज द्रव्य की थी, पापमय अन्न की थी। अर्जुन ने इतने बाण मारे कि सारा खून शरीर का निकल गया, उस सारा खून निकल गया, जितना भी राजस तामस अंश अब कृष्ण कृपा से मुझे तत्व साक्षात दिखाई पड़ रहा है। सब लोग चुप हो गए कि वास्तव में जब तक हमारे तुम्हारे मन में मल जमा है, शुद्ध तत्व का भास आभास नहीं हो सकता है। अब प्रश्न है कि क्या हम भी सब खून निकाल के एक एक बूंद फेंक दें क्या भीष्म की तरह? अरे भीष्म को तो अर्जुन ने बाण मारा, और अपन तो जो है सुई चुभ जाएगी उसी में गड़बड़ मामला हो जाएगा। बोले नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र कृष्ण नाम ही अनंत साधनों का मूल है। यदि वो नामापराध से मुक्त होकर के नाम किया जाए तो उससे ऊंचा कोई साधन नहीं है। आवश्यकता यह है कि हम भगवान का आश्रय नामापराध से मुक्त होकर के नाम को करें, इससे ज्यादा कोई साधन अच्छा नहीं। इसीलिए इनका जो प्रश्न था, इन्होंने प्रश्न किया था भीष्म इतने बड़े भक्त उन्होंने क्यों देखा अत्याचार, अनेक प्रश्न थे इनके, सबका उत्तर एक ही है कि मनुष्य एकमात्र भगवान की शरणागति का धर्म अपना ले, इससे ऊंचा कोई भी जीव के लिए कर्तव्य नहीं है।